हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज युवा संगठन द्वारा जगन्नाथ यात्रा का आयोजन बीते दिनों इंदौर से प्रारंभ हुआ, जिसमें करीब 90 से अधिक लोग जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए। यह यात्रा समिति द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। 7 दिवसीय इस जगन्नाथ यात्रा में सभी भक्तगणों की रहने खाने की उत्तम व्यवस्था समाज द्वारा की गई है। समाज व देश की एकता अखंडता लोक परलोक को सुधारने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली गई। सभी भक्तजनों का समाज द्वारा पुष्प मालाओं से स्वागत कर विदा किया गया एवं समाज के वरिष्ठों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं यात्रा के भक्त जनों ने समाज के सभी लोगों का आभार माना कि धर्म गंगा के अंदर सभी ने खूब डुबकियां लगाई। अभी जगन्नाथ धाम की यह यात्रा है, इंदौर युवा संघ की इकाई गगन जी, उनकी टीम और सभी सारे जितने भी सहयोगी लोग हैं, यह लोक और परलोक सुधारने का एक अनूठा कार्य कर रहे हैं और परमात्मा उन्हें खूब यश दे, कीर्ति दे, क्योंकि किसी भी प्रकार की यात्रा के लिए लोगों को साथ मिलने के लिए बड़ी दुविधा रहती है और बहुत सारे लोग इस चीज़ के इंतजार में रहते हैं कि हमको बेहतर साथ मिले और हम बेहतर से बेहतर धार्मिक यात्रा कर सकें। इस यात्रा के अंदर सभी समाज बंधु रिश्तेदार आपस में मिलने जुलने वाले सभी बेहतर लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ और चारों धाम की यात्रा अधिक से अधिक लोग कर सकें, इस प्रकार की शुभकामनाएं देता हूँ। युवा संगठन इंदौर के द्वारा धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में एक नई जागृति पैदा की गई है। इंदौर के युवाओं ने बेहतरीन व्यवस्था और समाज जयपुर से लेकर और नागपुर तक के सभी लोगों को यात्रा सफलतम रूप से आयोजित कर रहे हैं। साथ ही इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही उत्तम और बेहतरीन तरीके की हैं। कम से कम बहुत अच्छा होटल से लेकर ऑटो से लेकर रिक्शा से लेकर बस से लेकर और जहाज तक के सारे किराए समिति द्वारा दिए जाते हैं। यात्री को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होती। समाज में सभी लोगों का मेल मिलाप और नए लोगों से अपने आप यहाँ पर जान पहचान होती है। भगवान इनको सफलता दे, यश कीर्ति और नए साल में उन्नति दे, मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। साथ ही हमारे उज्जैन समाज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय दिलीप जी पंचोली ने यहाँ पर संपूर्ण यात्रियों के लिए केसरिया दूध, जो कि ठंड में गर्मा गर्म दूध पी के लोग आनंदित हो रहे हैं, उसकी व्यवस्था की है। उन्हें भी इंदौर और यात्रा समिति हम धन्यवाद और बधाई देते हैं।